अब देखेंगे अगला टॉपिक वर्गीकरण के पदानुक्रम। तो पहले तो प्रश्न आता है पदानुक्रम है क्या, वर्गीकी के पदानुक्रम क्या है, तो इसकी परिभाषा लिखेंगे। वर्गीकी के पदानुक्रम किसी विशेष जीव को जैविक व्यवस्था में उपयुक्त स्थान देना, किसी विशेष जीव को जैविक व्यवस्था में उपयुक्त स्थान देना वर्गीकरण के पदानुक्रम कहलाते हैं। और चूंकि वर्गीकरण का जो प्रत्येक पद है, प्रत्येक स्तर है, इसको टैक्सॉन कहते हैं या वर्गक कहते हैं, वर्गक या टैक्सॉन। जैसे जाति एक टैक्सॉन, वंश एक टैक्सॉन, कुल एक टैक्सॉन, गण एक टैक्सॉन। तो वर्गीकी का ये जो प्रत्येक पद है ये इसका ये टैक्सॉन कहलाता है। तो यहाँ बढ़ते हुए क्रम में देखेंगे सबसे नीचे से ऊपर जाते हुए कि सबसे पहले वर्गीकरण का जो पदानुक्रम का सबसे छोटी इकाई है वो जाति है। जाति में किसको शामिल किया गया है, जाति में जो अपने समान लक्षण वाले जीव है उनको जाति में शामिल किया गया है। अब जातियां मिलकर वंश बनाएंगी, अगला क्रम वंश हो गया। तो ये जो वंश है इसमें अब कभी प्रश्न आता है कि वंश कैसे बनता है, तो उसमें कई समान लक्षण वाली कई जातियां जब मिल जाती हैं वो वंश का निर्माण करती हैं या वंश बनता है। तो जैसे उदाहरण के लिए कि बिल्ली और चीता अलग अलग उसके हैं, उनके हैं, परंतु उनको एक ही उसमें वंश में रखा गया है। जी ठीक है। तो दूसरा जो पद है वंश, जिसमें समान लक्षण वाली कई जातियां मिलकर बनाती है, कई जातियां। अब अगला तीसरा स्तर है कुल। कुल में क्या, कुल का निर्माण कैसे होता है, समान लक्षण वाले कई वंश मिलकर, समान लक्षण वाले जो कई वंश हैं, अनेक वंश मिलकर क्या बनाते हैं, कुल का निर्माण करते हैं। अगला स्तर है गण। अब गण का निर्माण कैसे होता है, समान लक्षण वाले, याद रखने के लिए बस ये ध्यान रखना कि जो समान लक्षण वाले कई कुल जब मिल जाते हैं, समान लक्षण वाले कुल, अनेकों कुल मिलकर, अनेकों कुल मिलकर क्या बनाते हैं, गण का निर्माण करते हैं। और समान लक्षण वाले कई गण मिलकर वर्ग का निर्माण करते हैं। और कई वर्ग मिलकर, कैसे, वर्ग में क्या शामिल कि समान लक्षण वाले होना चाहिए सभी जीव, वो मिलकर संघ का निर्माण करते हैं और कई संघ मिलकर जगत का निर्माण करते हैं। तो जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं जो सामान्य लक्षण है वो कम होते जाते हैं, उनकी संख्या घटती जाती है और विशिष्ट लक्षणों के आधार पर जीवों का वर्गीकरण होता जाता है। अब ये जो संघ और डिवीजन अलग अलग लिखा है, यहाँ पर हिंदी में इसको प्रभाग बोलते हैं। तो चूंकि संघ जंतु जगत, चूंकि बायोलॉजी में जंतु, जूलॉजी और बॉटनी, तो जो जंतु है वो उनको संघ से रिप्रेजेंट करते हैं और डिवीजन यानी प्रभाग पौधों के लिए। तो पौधों को डिवीजन और ये संघ, और कई संघ मिलकर एक जगत का निर्माण करते हैं। और जो वर्गीकरण की सबसे ऊंची इकाई है और यहाँ सबसे छोटी इकाई जाति है, कभी प्रश्न आता है। अब एक प्रश्न यहाँ पर एक और बन रहा है गण में कि इस गण के जो नाम होते हैं, यहाँ उनका जो नाम है उसके नाम के अंत में प्रत्यय एल्स लगा दिया जाता है, एल्स। जैसे किसी गण का नाम पहचानना है तो पेराइटेल्स, रोजेल्स, एल्स, ए एल एस ई, एल्स, एल्स प्रत्यय लगा के इनके नाम बनते हैं। तो ये ध्यान रखना। अब इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वर्गीकी के साधन, मतलब ये जो वर्गीकी विज्ञान है, इस वर्गीकी विज्ञान का अध्ययन करने में कौन कौन से टूल्स, जैसे बायोलॉजी में मुख्य टूल्स अपन माइक्रोस्कोप देखते हैं कि माइक्रोस्कोप के बिना हम बायोलॉजी में अध्ययन नहीं कर सकते हैं। जैसे स्लाइड का करना है या किसी सूक्ष्म चीज का अध्ययन करना है, तो ऐसे ही वर्गीकी के भी कुछ साधन हैं। और उन साधन में कौन कौन से हैं, वो पहला है हर्बेरियम, दूसरा संग्रहालय, तीसरा क्रिया। तो पहला देखते हैं हर्बेरियम। तो ये हर्बेरियम क्या है और हर्बेरियम बनाए किसके जाते हैं, ये केवल पौधों के बनाए जाते हैं। तो हर्बेरियम हो सकता है बच्चों आप लोगों ने बनाए भी हो, तो हर्बेरियम में पौधे के किसी भी भाग को, पत्ती हो सकती है, जड़ हो सकती है, तना हो सकता है, पौधे के किसी भी
विभाग को सुखाकर दबाकर व्यवस्थित रूप से भविष्य के अध्ययन के लिए रखना हर्बेरियम कहलाता है। और ये जो हर्बेरियम है, ये हर्बेरियम कैसे बनाए जाते हैं, तो जैसे अभी कहा कि पौधे का कोई जैसे पत्ती अपन को विभिन्न विभिन्न प्रकार की पत्तियां रखना है, तो उनको किसी कागज में पहले दबा कर रखेंगे और फिर एक पत्ती जैसे तुलसी की पत्ती उसको रखना है तो उसको कागज में टेप से या उससे इसको चिपका देंगे। अब उस पौधे के बारे में पूरा सब कुछ लिखेंगे कि किस डेट में इसको लिया, किस स्थान से लिया, किस संग्रहकर्ता का नाम लिखेंगे या कौन से स्थान से लिया, उसका क्या सामान्य नाम है, वैज्ञानिक नाम है, और जो भी जानकारी उसकी अपन को मिल सकती है वो सब उसमें नोट करेंगे। और अब प्रश्न यह आ सकता है कि हर्बेरियम में ऐसी कौन सी चीजें जो इसके उसमें नहीं लिखते हैं, वो है पौधे के बारे में कि उसका रंग कैसा है, उसकी ऊंचाई कैसी है, ये उसमें नहीं लिखते हैं। तो हर्बेरियम जिस स्थान पर रखे जाते हैं उनको हर्बेरिया कहते हैं। तो हमारे भारत देश में भी बहुत सारे हर्बेरियम है, जैसे लखनऊ में भी है, नैनीताल, दार्जिलिंग में बहुत सारे हर्बेरियम, कोलकाता में हर्बेरियम। तो हर्बेरियम में पौधों का अध्ययन भविष्य के लिए रखकर किया जाता है, जिन पौधों को हम वहाँ जाकर नहीं पढ़ सकते हैं या नहीं देख सकते हैं उसके लिए। दूसरा है संग्रहालय। संग्रहालय म्यूजियम वे स्थान होते हैं जहाँ पर जंतु और पौधों को किसी केमिकल में जैसे फार्मेलिन में संरक्षित करके रखा जाता है, तो वे स्थान संग्रहालय कहलाते हैं। और ऐसे जंतु को रखा जाता है जहाँ पर, ऐसे पौधों को रखा जाता है जहाँ पर उनको उनके प्राकृतिक स्थान पर जाकर अध्ययन करना कठिन होता है, इसलिए संग्रहालय में जंतुओं को उनके स्पेसिमेन बनाकर संग्रहालय में रखा जाता है। और तीसरा है चिड़ियाघर, जू या जंतु उद्यान। ये वे प्राकृतिक स्थल होते हैं जहाँ पर वन्य जीवों को, जंतु भी हो सकते हैं पौधे, वन्य जीवों को संरक्षित मानव की देखरेख में रखा जाता है। उन्हें पूरा माहौल ऐसा दिया जाता है कि वो उनके प्राकृतिक स्थान में है, और वो चिड़ियाघर। इस प्रकार इन टूल्स के द्वारा हम विभिन्न प्रकार के जीवों का अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। धन्यवाद।